बारिश में दामोदर घाटी के डैम से पानी छोड़ने के मुद्दे पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने है। तो वहीं दूसरी तरफ डीवीसी से जुड़े कई अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर पीएम मोदी को एक और लेटर लिखा है। दो दिन के अंदर लिखी दूसरी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम ने उनसे बिना सलाह लिए बिना पानी छोड़ दिया है, जिससे बंगाल के जिले डूब गए हैं। इससे पहले ममता ने 20 सितंबर को भी पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी के तहत आने वाले डैम से 5,00,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आई है। चलिए जानते हैं आखिर मामला है क्या। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का दावा है कि डीवीसी बांधों से पानी छोड़ा जाना पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों से परामर्श लेने दामोदर घाटी रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी की सहमति और सहयोग से किया गया था। मैं इससे असहमत हूँ। सभी अहम फैसले केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार आम सहमति के बिना एक तरफा लेती है। कभी कभी राज्य सरकार को बिना सूचना दिए पानी छोड़ दिया जाता है। हमारे विचारों का सम्मान नहीं किया जाता। बांधों से करीब 9 घंटे तक पानी छोड़ा गया। बाढ़ को मैनेज करने के लिए हमें महज 3.5 घंटे ही मिले थे, जो असरदार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफी नहीं थे। हम आपको बता दें कि बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य के बिजली सचिव शांतनु बसु ने डीवीसी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं बसु के अलावा बंगाल के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने भी रेगुलेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। 20 सितंबर को पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में ममता ने दावा किया और कहा कि मानव निर्मित बाढ़ से राज्य के 5,00,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अगर लापरवाही जारी रही तो राज्य निगम के साथ सभी संबंध तोड़ देगा। ये मानव निर्मित बाढ़ है जो 2009 के बाद से दामोदर नदी में आई सबसे भयानक बाढ़ है। बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता राशि देनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जैसे ही ममता ने पीएम मोदी को ये पत्र लिखा, वैसे ही केंद्रीय जल एवं ऊर्जा मंत्री सीआर पाटिल ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि डीवीआरआरसी राज्य के प्रतिनिधियों के परामर्श से पानी छोड़ने का निर्णय लेता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समिति ने बंगाल में बाढ़ को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन शनिवार को ममता बनर्जी ने मंत्री के पत्र के जवाब में पीएम मोदी को दूसरा पत्र लिखा। इसी के साथ डीवीसी से पानी छोड़ने पर ममता बनर्जी नाराज क्यों है ये भी जान लेते हैं। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि मुझे निजी तौर पर लगा कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा दक्षिण बंगाल में बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री का ये बयान कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए गए पूरी तरह से सही नहीं है। हम आपको बता दें कि करीब 5,00,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें ममता सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ममता की दूसरी चिट्ठी पर पीएम मोदी का क्या रिएक्शन आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।